आप मुख्तार भाई आदि उनसे कह रहे थे कि हम लोग क्या तो कस्टमर नहीं, क्या किया था? तो मेरा सर रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, निवेदन है कि आप जिला प्रशासन से, कमिश्नर साहब से बोल के, सिटी साहब से बोल के, ऊपर के लोगों से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, वाराणसी के कवरेज पर इस तरह का रोक लगाए कि जिससे व्यापारियों में, जनता में भयक्रांत न हो और लोग एकदम आराम से जिंदगी जी सकें। ये मेरा बहुत ही आपसे अनुरोध और निवेदन है। मैं दिलीप जी को बुलाया, दिलीप जी नहीं आए, मुख्तार भाई आदि उनसे कह रहे थे कि हम लोग यहाँ तो कस्टमर नहीं, क्या किया? तो मेरा सर रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, निवेदन है कि आप जिला प्रशासन से, कमिश्नर साहब से बोल के, सिटी साहब से बोल के, ऊपर के लोगों से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, वाराणसी के कवरेज पर इस तरह का रोक लगाए कि जिससे व्यापारियों में, जनता में भयक्रांत न हो और लोग एकदम आराम से जिंदगी जी सकें। ये मेरा बहुत ही आपसे अनुरोध और निवेदन है। मैं दिलीप जी को बुलाया, दिलीप जी नहीं आए, और उपस्थित सभी संस्थान मीडिया के अध्यक्ष, अभी सभी ने आप लोगों के द्वारा जो उपलब्ध हुए विचार आए, यदि इन विचारों पर इम्प्लीमेंटेशन 100% हुआ तो हमारी व्यापारिक गतिविधियां। प्रेम मिश्रा, अध्यक्ष महानगर उद्योग व्यापार समिति। सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने के लिए, सामाजिक सौहार्द को मेंटेन करने के लिए आज प्रशासन की ओर से एक निवेदन आया था, जिसमें व्यापार मंडल ने मुस्लिम भाइयों के साथ, हिंदू भाइयों के साथ बैठ करके ये तय किया है कि हम शहर की अमन चैन को किसी प्रकार से बिगड़ने नहीं देंगे और हर तरह से उसकी रक्षा करेंगे। मेरा कहने का उद्देश्य ये था कि मीडिया जो है भावनात्मक रूप से लोगों को जो उग्र करता है, वो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि जिससे लोगों के अंदर भय न हो और उस भय का वातावरण न बने, जिससे कि लोगों के अंदर एक ऐसा वातावरण रहे कि लोग, सभी लोग एक साथ मिलजुल करके अच्छा कार्य कर सकें और ये एक ऐसा माहौल न पैदा हो कि जिससे लोगों के अंदर डर पैदा हो और डर के कारण से बाज़ार खराब हो, लोगों में भयक्रांत हो। इस चीज़ के लिए मैं आपके माध्यम से, मीडिया से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, इस तरह का माहौल बनाए जिससे कि लोगों में भाईचारा बनी रहे। महानगर उद्योग व्यापार समिति के जितने भी पदाधिकारी गण हैं, उनके सदस्य गण हैं, उन सभी की आज एक गोष्ठी की गई कि अपने शहर का सद्भाव मजबूत हो और जो हमारे पदाधिकारी गण हैं, सदस्य गण हैं, वो अपने शहर में अमन चैन को कायम रखें, कहीं भी किसी प्रकार की कोई अफवाह न फैले और भयमुक्त वातावरण में अपने कार्यों को संपादित करें, अपने प्रतिष्ठान को, अपने निर्माण इकाइयों को और अपने जो प्रतिष्ठान में कार्य करने वाले हैं, बिना किसी डर भय के वे लोग अपने कार्यों को संपादित करें। और आज सभी जो व्यापारी बंधु हैं, हमारे पदाधिकारी गण हैं, सम्मानित गण, अध्यक्ष गण हैं, उनके संरक्षक गण हैं, महामंत्री गण हैं, उन सभी से जो है सुरक्षा के संबंध में चर्चा भी की गई और एक भयमुक्त वातावरण निर्मित करने के लिए कौन कौन से अन्य उपाय हैं उनके सुझाव भी लिए गए। और निश्चित रूप से जो एक सद्भाव है हमारा मजबूत बनेगा और जो हमारी एक वाराणसी की संस्कृति है, कल्चर है, वो और अधिक घनीभूत हो और अच्छे तरीके से सभी लोग अपने अपने कार्यों को संपादित करें। व्यापारियों क्या दिशा निर्देश दिए गए? उनको यही अवगत कराया गया कि अच्छे तरीके से अपने अपने कार्यों को बिना किसी डर भय के अच्छे माहौल में संपादित करें और यदि कहीं कोई उपद्रवी आपको नज़र आता है, कोई किसी प्रकार की अफवाह की बात करता है, तो तत्काल जो है इस संबंध में अवगत भी कराएं और उसका वहीं पर खंडन भी करें। सर, काशी की जनता को आप हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी लोग अच्छे तरीके से अपने अपने कार्यों को संपादित करें, किसी भी प्रकार की अफवाह ना फैलाएं और जो है साथ ही साथ इस तरह के कहीं कोई व्यक्ति दिखते हैं तो उनके बारे में तत्काल पुलिस को सूचित करें और अमन चैन के साथ अपने अपने कार्यों को संपादित करें।
मैं गोकुल शर्मा, व्यापारी एवं पार्षद नगर निगम वाराणसी। जिस प्रकार से आज पूरे देश में अफवाहों का माहौल गर्म किया जा रहा है अराजक तत्वों द्वारा, उसको दबाने के लिए, आपसी भाईचारा कायम रखने के लिए और पूरे देश में ये संदेश देने के लिए कि काशी सदैव से कानून और का सम्मान करती रही है, काशीवासी चाहे किसी भी संप्रदाय और वर्ग के हों, सब एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे, वाराणसी का अमन चैन कोई भी खराब नहीं कर सकता। DPCP साहब ने अनुरोध किया है जिसका सारे लोग पालन करेंगे और उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं लाइन ऑर्डर के संदर्भ में, उस पर भी सब सर्व समाज उसका अनुपालन करेगा। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।